हाय सभी, कैसे हो भाई? एक बार फिर स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं राजेश शर्मा। आज फिर से भी हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और पहली एक्सरसाइज का हम एक्सरसाइज 7.17 करेंगे। तो हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया, उसके बेसिक्स को समझा, ठीक है, कंसेप्ट को समझा वीडियो फर्स्ट और वीडियो टू में। सेकेंड वीडियो आपको देखनी है, थर्ड वीडियो आपको देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। पर पहले उससे पहले वो एक्सरसाइज की जो दो वीडियो है वो देखनी पड़ेंगी बेसिक समझने के लिए। कोई बात नहीं भी, कुछ बच्चों ने डाउट भेजे हैं और कुछ मैंने क्वेश्चन जो अच्छे हैं वो पकड़े हैं, और मैं आपको 7.1 एक्सरसाइज के वो चुनिंदा, वो बेहतरीन, वो आपके प्रिय सवाल करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला बेसिक क्वेश्चन है, देख लीजिए भाई, कॉपी पेंसिल उठा लो। सवाल है भैया पहला आपका, x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन बताना है भैया। बहुत सिंपल सा, अभी ये ब्रैकेट है, इसमें 1 माइनस x स्क्वायर लिखा हुआ है या x स्क्वायर है, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे ब्रैकेट को, पहले सॉल्व कर लीजिए, पहला स्टेप ये है। तो बल में करेंगे भैया x स्क्वायर माइनस, इसमें करेंगे x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है dx, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल किया बचा भैया 1। बहुत प्यारे हैं जो आगे देखो, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, तेजी से भी कर देता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं कर नहीं रहा, कितने कहोगे भैया ने बहुत तेज तेज समझा दिया, नहीं है नहीं ना कुछ नहीं, ना के बराबर है, बस मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, और कुछ नहीं किया अभी तक। अब इसका इंटीग्रेशन देख लो, मिटा देता हूँ मैं। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अलग अलग कर लो, x स्क्वायर dx इसके साथ 1 dx, इसका मैंने बता रखा है, ठीक है, दोबारा से देख लो भैया, x की पावर n का होता है इंटीग्रेशन, x की पावर साइन हट जाता है इंटीग्रेशन n+1, यहाँ पे क्या होता है n+1 हो जाता है, ठीक है, यहाँ का जो इंटीग्रेशन होता है dx वो ये आ जाता है, और c कॉन्स्टेंट है, पढ़ा हुआ है पहले से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जितनी भी पावर हो उसमें एक पावर ऐड हो जाती है नीचे भी, ठीक है, एनी पावर हम सब लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे भैया, इसे हटाओ, ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन को, एक्स की पावर 3 नीचे भी 3, ठीक है, ये 1 dx मैंने बताए रखा है, नहीं तो भैया आप इसके लिए पहली वीडियो पर जाइए और देखिए मैंने इसका किस तरीके से समझाया हुआ है। तो मैंने इसका x बताया हुआ है प्लस में c, x की पावर 0 को 1 कह सकते हैं, 0 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा 1, नीचे भी क्या आएगा 1, माइनस का साइन है, इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, आंसर आ गया आपका कि कांस्टेंट ऐड होता है। बहुत सिंपल सवाल तो था ही नहीं, ठीक है, और भैया शेयर करते रहो और भी बच्चों पर जो आपके साथ के हैं उन्हें भी हेल्प मिलती रहे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, लाजवाब क्वेश्चन है अगला वाला, ठीक है, क्वेश्चन है भैया, मजा बहुत आता है मैं पढ़ाने में। गाना सुनोगे भी? गाना सुनने का मन है, मैं तो मस्ती है, मैं तो मस्ती इधर पढ़ना है, कुछ भी नहीं है इसमें, 20-22 नंबर फ्री के हैं, 20-22 नंबर सबसे हार्ड टॉपिक लिखा जाता है, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे भाई हम 12th में, ऐसे ऐसे कहते हैं लोग, जैसे कोई भूत है कुछ नहीं, सर मजा आता है करने में, मैंने बी एच सी में किए थे बहुत सारे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखना भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बचपन में पढ़ते आ रहे, बोलो भाई आवाज आ रही है दिल तक यानी कि मन तक कानों तक, ठीक है, दिल तक तो कैसे जाएगी, दिल तो हम किसी को दे चुके हैं नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस के भाई बहुत सिंपल है, तो
हाँ जी, ये बचपन में पढ़ रखा होगा आपने, रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है, वही एक्स ही रहता है। नहीं तो बच्चे बहुत होते हैं कि भाई बताना कैसे होता है एक्स, रूट एक्स कैसे लिख सकते हो, 8th क्लास में पढ़ा होगा। नहीं पता तो 8th क्लास में जाओ, दोबारा से किताब खोलो, दोबारा से सुन लो, ठीक है। रूट एक्स की पावर होती है 1/2 या 1/2, इंग्लिश वाली मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। दो दो कहूँगा तो आप दो टू कह लेना, एक ही बात है, आप एलियन नहीं हो, ठीक है। इसके कैंसिल आउट कीजिए पावर को, एक्स हिंदी में काट दीजिए, हिंदी वाली फिर हिंदी वाली के लिए भाई उनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो बहुत लैंग्वेज बाय लैंग्वेज में समझा रहा हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। तो कितना आया भाई एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या आता है अभी, एक्स आता है, क्या आता है रूट एक्स का, अभी कर लीजिए, क्या लिख लीजिए, हल कर लीजिए एक्स, क्लियर था प्यारे बच्चों। बाद में अलग अलग करूंगा मैं, अभी अलग अलग कर लेता हूँ, तब तो समझ गए होंगे आप। 1/√x का भाई 1/x, इसका इंटीग्रेशन भी अलग कर लेता हूँ, क्लियर है। माइनस इसका इंटीग्रेशन भी अलग कर लेता हूँ, 2√x से रूट एक्स कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा था dx, ये आ गया आपका। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि तो भाई पहले वाला सवाल बन गया है, तो भाई पहले वाला सवाल बन गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों तो से करो, x की पावर कितना है यहाँ पे भाई, कुछ नहीं लिखा हो तो 1 होता है, 1 एक और ऐड कर दो अपनी तरफ से, तो इंटीग्रेशन का साइन हटा ही दिया है, नीचे भी 2 लिख दो, हो गया इसका, खेल खत्म। इस वाले का बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पहली शायद दूसरी वीडियो में बताया होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है मेरे भैया प्यारे बच्चों, log x कितना होता है, नहीं तो ध्यान कर लो, लिख लो कॉपी में, हाथ पे लिख लो, ठीक है, हाथ पे लिख लो, जब स्कूल गए तो स्कूल पे दिखेगा रूट एक्स, ओ बोलो, ठीक है। तो 1/x क्या होता है, log x, रूट एक्स होता तो क्या हो जाता है उसका, रूट एक्स का यार अभी ये निकल के आया, ठीक है प्यारे बच्चों, उसका स्क्वायर था, ठीक है। चलिए आगे, रूट एक्स का स्क्वायर था, कभी रूट एक्स करो, रूट एक्स का और हो जाएगा, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा रूट एक्स क्या होगा। तो इधर देखो क्या अभी log x, यहाँ पे भी 2 बाहर ले लोगे कांस्टेंट है, और जो 1 बचेगा 1dx स्क्वायर क्या जाएगा भैया, क्लियर है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। रूट एक्स का भी बताऊंगा भी अगले क्वेश्चन में, रूट एक्स का स्क्वायर को सॉल्व किया था, एक्स आया था, एक्स आया था, क्लियर। तो आप बता देता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ भाई, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन भी पढ़ाएंगे जब ही डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आएगी, नहीं भोले पढ़े हो अभी तो, इनवर्स भी पढ़ना है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। सवाल है अगला, बड़ा प्यारा सवाल, x की पावर 3 + 5x की पावर 2 - 4 ठीक है, जल्दी से फटाफट अपनी कॉपी में एक साथ करिए डिवाइड, ठीक है। एक स्टेप आप डिवाइड अलग अलग कर देना, एक स्टेप बढ़ जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो आप बड़े बच्चे हैं, मैं डिवाइड करके आपको x आएगा, 3 पावर है 2 पावर 1 पावर - x आएगा dx, 5x² कट जाएगा 5, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx बचेगा, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 4/x², जब x² से डिवाइड करोगे 4/x², तो 4/x² लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, भाई ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो कर सकते हो भाई, तो समझ गए होंगे, ठीक है। समझ तो गए नहीं भाई, मुझे समझना आता बचपन से ही है, बहुत अच्छे हैं हम पढ़ने में, लेकिन कभी कभी हम लापरवाही कर देते हैं, हमारे समझ में नहीं आता, जब हम समझ में नहीं आता हम हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट, तो फ्रस्ट्रेट नहीं है ना, समझना है प्यार से। एक्स की पावर कितनी है, 1 1 1 2 ले लेना,
भाई कंटेंट भर लेते थे भाई भाई वन डेज बचता है सोचता भी है माइनस माइनस बाद में जाके प्लस का होगा कैसे ये देख लो इसको फोर फोर को भी बाहर ले लेते हैं हम बाद में लिख लेना ले जाओ सिखा देता हूँ माइनस टू में वन जोड़ोगे फिर माइनस टू में वन जोड़ोगे तो भैया माइनस वन बचता है यहाँ भी माइनस टू में नीचे वन जोड़ोगे तो भी माइनस वन बचेगा और आपको पता है भी माइनस वन है इधर माइनस वन है तो एक स्टेप आगे करना ठीक है एक स्टेप आगे तो माइनस वन और माइनस वन की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या हो जाएगा भी प्लस ठीक है तो इसको क्या लिख दो फोर एक्स की पावर माइनस वन फोर एक्स की पावर माइनस वन प्लस मेरे प्यारे बच्चो तुमने कोई गीत वीत सुना रहे हो भाई कोई अच्छा अच्छा गाने वाना सुनाओ लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है गाने वाने गाते रहो भाई लम्बी मजा आता है बढ़ाने में ये जो लेडीज है ना हमारे यहाँ कोरोना का गाना बनाया सुना था ना नहीं सुना नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा कभी आपको तो उसमें मैसेज करना व्हाट्सएप पे तो मैं आपको कोरोना का सॉन्ग भेजूंगा बढ़िया वाला ठीक है गाने वाले के लिए भी क्लास चलती है हमारे यहाँ पर किसी को गाना सुनना हो तो तुरंत सुन सकता है ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है पर इसको करके दिखाइए x की पावर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्यारे प्यारे बच्चों पहले x माइनस 1 है ठीक है x की पावर x की क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इसको पता नहीं भाई बहुत बड़ा हो गया देखो भाई x माइनस 1 है हिंट दे दी हाँ x माइनस 1 है यहाँ भी x माइनस 1 होता है भाई बन सकता है देखो कैसे x स्क्वायर को कॉमन ले लो ले लिया है हम भाई x माइनस 1 बचा ठीक है यहाँ भी क्या बचा x माइनस 1 पहले से लिखा है x माइनस 1 समझ गए होंगे समझने वाले भाई बिल्कुल समझ गया आपने क्यों किया है ऐसा क्योंकि अभी मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया है मुझे पता है x माइनस 1 इधर भी x माइनस 1 इधर भी तो हाँ दोनों में से क्या ले सकते हो ऊपर में से भाई आप पता है आप x माइनस 1 कॉमन ले लोगे हमें पता चल गया आपकी भी तो मेरी पता चल जाएगी धीरे धीरे मेरे बारे में भी जानोगे मेरे बारे में भी जान लेना है तो बचपन में गाना सुना होगा तुमने बचपन में बहुत कहता हूँ बहुत प्यारे बच्चे होते हैं भाई ट्वेल्थ वाले कुछ होते हैं कुछ बेवकूफ भी होते हैं आप फोन से जो आप हंस रहे होंगे तो बेवकूफ और जो आप सीरियस होंगे तो आप समझदार नहीं बेवकूफ होंगे ठीक है कोई सेवा आप देख लेना ऐसा कुछ भी नहीं है भाई आप अच्छे हो ठीक है दोनों में पहले लिया x माइनस 1 कॉमन ले लिया ठीक है तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा यहाँ प्लस 1 बचेगा था प्लस 1 बचा इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया भाई क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर बचा यहाँ के बंदो वन हमने कर लिया अब ना पढ़ते आए अभी ये टेंथ में पढ़ा है किसमें पढ़ा है टेंथ में नहीं आता तो टेंथ की बुक फिर से बोलो फिर से रिवाइज करो अगला यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो चुका है ये ऊपर था उसके नीचे तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स बचा है भैया तो आपका बहुत सिंपल है हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे डीएक्स तो लो भाई पता चलेगी मैं 3 एक पावर जोड़ोगी 3 या नीचे भी 3 या 1 का भाई है कितनी बार बताओगे आप भी जब तो बोलता हूँ इतनी बार बता दूंगा फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहनी पड़ेगी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसलिए तो मैं कहता हूँ बार बार और मन में बोलते लो भाई मैं इसका विचार बना दूंगा तुम्हें जादूगर जादूगर बनना है तो मैं जादूगर जादूगर कैसे बनते हैं मैं आपको बार 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 प्रैक्टिस और ऐसे हो जाओ जैसे ही लॉकडाउन खुला मान लीजिए अगस्त में खुला एक तो तुम ऐसे अच्छे बच्चे हो आते नहीं लॉकडाउन लगा दिया ठीक है पेपर भी नहीं होते 11th के पूरे आते साथ लगा दे लॉकडाउन भाई कम नंबर आगे इतने कहते हैं लॉकडाउन ही तो था हमने ऑनलाइन में नहीं आया हमें ठीक है ये बहुत सारे बहाने बना सकते हो लेकिन ये बहाने जब पास हो गए ना तो फेल ही हो जाना जीरो सन्नाटा सिलबटे सन्नाटा या तो फिर कर लेना अच्छे नंबर ये तो एक गिने जाएंगे सरकार कह देगी हमने कल लॉकडाउन
जो है हमका 2 महीने के लिए लगाया था हमने, तो हमने तो जूम ऐप पे क्लास चलाई थी। टीचर कह देंगे फीस तो जाएगी तब भी। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझ लो, ऐसा कोई बहाना मत बनाना, अपने लिए नुकसानदायक होगा क्योंकि आर्मी की भर्ती आने वाली है 12th के बाद। आर्मी RHS चीज में पोस्ट निकलेगी भाई, भर्ती होता है वैकेंसी, अभी लग रही होंगी भर्ती, तो जॉब भी लेनी है आप, प्रिपेयर कर लो माइंड, क्लियर? अभी समझ गए होंगे आप। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है वो भी, तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं अभी मैंने। हेलो भैया, जो क्वेश्चन आप कह रहे थे क्वेश्चन क्लियर है ये, क्योंकि आपके सुनते हैं, आपके नहीं सुनेंगे तो किसके सुनेंगे? क्या बहुत अच्छे बच्चे हैं, आदत बहुत अच्छी जाती है 12th में, ग्रुप बन जाते हैं और ग्रुप बनते के साथ ही आदत, ये ग्रुप मेरा, ये ग्रुप मेरा, ग्रुप वाले साथ साथ दूसरे दुश्मन दिखाई देते हैं, दुश्मन दिखाई देते हैं, इसके मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर है, दोनों में कर लीजिए रूट एक्स, यहाँ पे एक्स रूट एक्स, क्लियर है? भाई समझ गए, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, रूट एक्स एक्स रूट एक्स। बच्चे कुछ गलती करेंगे, करने दो, गलती करेंगे तभी तो सीखोगे, और मैं गलती नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे? भाई मैं खुद हूँ, मैं गलती नहीं करूंगा तो मैं सीखूंगा कैसे? गलती उनसे ही होती है जो काम करते हैं, जो सीखते हैं, और जो वैसे ही होते हैं उनसे गलती भी नहीं होती भैया। तो हमें गलती तो करनी चाहिए, मजे में रहो, मस्त रहो, फ्रेंड व्रेंड बनाओ दो चार, बढ़िया बढ़िया बनाने चाहिए, ठीक है ठीक है, पर बढ़िया नहीं चाहिए। चलो रूटेक्स, रूटेक्स का एक्स बाई वन बाई टू डी एक्स माइनस रूटेक्स का एक्स की पावर वन बाई टू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं, ये एक्स की पावर वन है और ये भी आपको पता है, समझा देता हूँ, एक्स की पावर वन है और इसको क्या बोलते हैं भाई, एक्स की पावर वन बाई टू। लेकिन अभी बचपन में इस क्लास में आपने पढ़ा होगा सेम बेस होते हैं, जब सेम बेस होते हैं ना तो पावर जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो ऐड हो जाती है पावर, जब सेम बेस यानी एक्स की पावर एम है और मल्टीप्लाई में एक्स की पावर एन है, ठीक है, दोनों सेम बेस है तो एक्स की पावर एम प्लस एन, तो वन में हाफ ऐड करोगे, ठीक है, वन में हाफ ऐड करोगे 3/2 होता है, क्या होता है भाई 3/2 कर लेगा, वन में हाफ ऐड, ठीक है, तो ये कितना होता है 3/2 ऐसे इंटीग्रेशन कोई नहीं पढ़ा सकता, गारंटी दे रहा हूँ मैं, लिखित में ले लेना आप, ठीक है, मजे भी दिलवा रहा हूँ मैं, मैथ मस्ती और मजे का टाइम भी, मजे लेने की चीज, कौन कहता है सीरियस हो, सीरियस आप रह ही नहीं सकते, कोई कहता भी है तो ठीक है, तो आप तो हाफ हो, तो हाफ में भाई आपने मैंने बता रखा है एक्स की पावर एन वन डी एक्स है, तो एक्स की पावर एन में वन ऐड करते हैं भाई, वन हाफ में वन ऐड करो कितना आएगा भाई, यदि मैं हिंदी में पूछने लगूँ आपसे, आधा, आधे में एक जोड़ना डेढ़ बैठता है, बचता है ना, बहुत बढ़िया, ऐड करना आप, दिखाना उन्हें ऐड करके, ठीक है, एक्स की पावर 1/2 + 1 ऐसे 1/2 + 1, ठीक है, लेकिन मैं सिखा देता हूँ आपको ऐसे ही, 3/2 में हाफ ऐड करना, 3/2 कितना होता है भाई, भाई 1.5 होता है, 1.5 में जोड़ोगे 2.5 बैठता है, यानी 5/2 बैठता है, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि हमारे माइंड की कैलकुलेशन और भी ज़्यादा पढ़ाते पढ़ाते तो तैयारी करवानी है, आगे चाहिए की तैयारी करवानी, 1/2 में 3/2, ये भी क्या बैठे 3/2, ये माइनस है भैया, माइनस लगा लो, एक चीज हो जाए तो अपने आप समझ जाएगा, 3/2 5/2 5/2 प्लस का सी फर्स्ट, यदि सी नहीं लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, कैट, कुछ और भी कह सकते हो, समझने वाले समझने होंगे। चलो भैया आगे चलते हैं, 3/2 अपॉन में तो 2/3 ठीक है, 3/2
ठीक है भैया, सारे सवाल थे, अब थोड़ा सीरियस भी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत मजे लिए हैं हमने, तो बढ़िया है ना, खुश हो ना। तो ऐसे अच्छे अच्छे सवाल पूछते रहिए, जो भी कोई आपको कठिन सवाल लगे, ठीक है, हार्ड लगे, बहुत ज़्यादा हाउ बिलो लगे, तो उस कमेंट बॉक्स में लिख देना, फोटो खींच कर डाल देना, तुरंत आंसर उसका आंसर दे दूंगा आपको। क्लियर? लेकिन पढ़ते रहो, चार पाँच 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 क्वेश्चन में ज़्यादा आफत नहीं आ रही तुम पर, करते रहो। ठीक है भाई, और एक दिन जब देखो कि तुम्हारे दोस्त का दिन इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, इंटीग्रेशन का कैब भी नहीं हो रहा उस पर, और आप सारे सारे करे जा रहे हो फटाफट फटाफट, आप करोगे भाई ऐसे नहीं करोगे, आप हाफ को वन में ऐड किया ऐसे, हाँ भाई भाई ने बताया भाई हाफ यानी आधा, एक कितना होगा डेढ़, इस तरीके से 3/2। ठीक, कुछ भी नहीं मिलेगा, चलो ठीक है, मैं रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए।